डॉक्टर साहब नमस्ते, प्रणाम। आप अपनी मम्मी को लेके आए थे जी, राइट जी। और मम्मी को वास्तव में दोनों कान में तकलीफ थी जी, नहीं सुन पा रही थी जी। और हमने ट्रीटमेंट आधा घंटा के किया, उसके अंदर मम्मी को थोड़ा सुनने में अच्छा लगा और टीनिटस भी अभी बोल रहे कम है। अच्छा, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, हमने ये कहा था कि नशे सूखती नहीं है, केवल पर्दे का खेल है, समझ गए। अब आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज ए बींग ए डॉक्टर, आप सर्जन हो, तो हमें एक प्रोसेस बताइए, आप लोगों के हिसाब से सुनना किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, बताइए जी। सुनने का जो प्रोसेस रहता है उसमें ऐसा है कि जो बोलते हैं हम वो साउंड वेव्स होते हैं, जो हवा की तरह, यानी जो हवा की जो वेव्स रहते हैं वो हमारे कान में चले जाते हैं। ये जो कान में जाते हैं वो बाहर का जो कान है वो जमा करके अपने अंदर के कान की तरफ डाल देता है। जब वो कान के अंदर से जाता है तो वो जो पर्दा या ईयर ड्रम बोलते हैं उसके ऊपर जाके टकराते हैं। जब ये ईयर ड्रम पे टकराते हैं तो वो ईयर ड्रम के अंदर के बाजू में जो हम मिडल ईयर बोलते हैं उसके अंदर तीन तरह के बोन्स रहते हैं। वो इतने छोटे बोन्स रहते हैं कि मतलब नाखून के जैसे छोटे छोटे बोन्स रहते हैं उसके अंदर। तो वो जो बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो जब पर्दे के ऊपर वो एयर का झोंका, हवा का झोंका गिरता है तो पर्दा हिलता है। जब पर्दा हिलता है तो उसको लगे हुए जो तीन बोन्स रहते हैं वो भी हिलते हैं। ये बोन का जो तीसरे बोन का जो एंड रहता है वो जो है वेस्टिबुला और कॉकलियर जो रहता है उसके साथ में उसका जुड़ा हुआ रहता है। तो जो वेस्टिबुलम के अंदर जाता है उसके अंदर कुछ लिक्विड रहती है, फ्लूइड रहती है, वो फ्लूइड के अंदर कंपना पैदा करता है, वेव्स पैदा करते हैं। और ये वेव्स जो रहते हैं वो जाके कॉकलिया के अंदर प्रोसेस होते हैं। वो कॉकलिया से वेव्स एक नर्व निकलती है जिसको ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। वो नर्व मस्तिष्क में जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है, जहाँ पे ऑडिटरी या सुनने का जो प्रोसेस रहता है वो एनालाइज होता है। तो उसके बाद में जब वो एनालिसिस होता है तब आदमी को समझ में आता है कि क्या बोला जा रहा है। एक बार वो सुन लेता है ब्रेन के अंदर, उसके बाद उसका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है कि उसका जवाब देना है। गुड, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एज पर द साइंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी यही है जी। अब बात यह है कि आपने यहाँ तक बिल्कुल सही बताया कि कान के पर्दे पहले आता है पर्दे का काम जी। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो पर्दे का ही प्रोसेस किया है जी। आप लोग ये कोकलियर को क्यों छेड़ती हैं, एक बात मेडिकल लाइन में जी। दूसरी बात और जो हड्डियों को क्यों छेड़ते हैं, तीसरी बात कान में अंदर के भाग को क्यों छेड़ते हैं, कारण क्या है। देखिए मैं ईएनटी सर्जन तो हूँ नहीं, ईएनटी तो नहीं है पर सर्जन है आप। सर्जन आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया बताया मुझे। इतना ईएनटी का नॉलेज मुझे है, तो उसके अंदर जो हियरिंग लॉस है उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। हाँ। एक कारण तो ये है कि जो एक्सटर्नल ईयर है हाँ। उसके अंदर ब्लॉक है हाँ। जिसको अपन कॉमनली वैक्स बोलते हैं हाँ। या अंदर फॉरेन बॉडी अटक गया है हाँ। ताकि जो हवा का झोंका अंदर जा रहा है वो ही नहीं जा पा रहा। ये पहला कारण हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कारण ये है कि जो ईयर ड्रम है हाँ। जहाँ के ऊपर जहाँ पे वो हवा का झोंका जाके उसके अंदर मूवमेंट्स पैदा करता तीनों हड्डियों के, तीनों के क्या नाम है हड्डियों के, सेकंड का फर्स्ट का एक्सटर्नल जो ये है उसमें ब्लॉक है, दूसरा ये कि जो ईयर ड्रम है हाँ। उसके अंदर छेद हो जाता है हाँ। जब कोई चीज में छेद हो जाता है हाँ। तो वो जो एयर पास होती है वो पूरी तरह नहीं पास होती, पार्शियली पास होती है। तो इसके वजह से जो बोन्स के ऊपर अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी बराबर से नहीं होती है। तो ये दूसरा कारण होता है ये न सुनने की वजह। तीसरा कारण ये होता है कि जो कॉकलिया और जो जहाँ से नस निकलती है और ब्रेन में जाती है उसमें कोई खराबी हो तो वो कॉकलिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी सुनाई नहीं देगा। और चौथा कारण ये कि जो कॉकलिया में से नस निकल के ब्रेन में जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी सुनाई नहीं देगा। तो ये तीन चार जगह हैं जहाँ पे हियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। तो हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम किस में है, एक्सटर्नल ईयर में है, वो पर्दे में है, कॉकलिया में है, या उसके नस में है, या फिर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है जो हाँ। उस एरिया में है जहाँ पर सुनने का प्रकरण शुरू होता है। अच्छा, आपको मालूम है मम्मी को टीबी टेस्ट था
और टीनू जस्त आवाज़ें आती थी कान में और उससे बड़ी तड़फ रही थी, तकलीफ थी उसको, और हमने एक डोज दिया और टीनू जस्त लगभग गायब है। तो आप हमें इस साइंस के बारे में, अपनी साइंस में, देखिए टीनिटस के लिए हमारे साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और डॉक्टर साहब मैंने तो आपके सामने प्रोसेस किया है, आधे घंटा हाफ प्रोसेस किया और टीनिटस मिट गया। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी की अलग अलग व्याख्याएं न करके हमें सत्य के ऊपर चलना चाहिए। देखिए आपका एजुकेशन बढ़िया है, आप लोगों की सोच बढ़िया है, एजुकेशन बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ। आप लोगों में क्या मालूम है, जैसे एक्सरे मशीन के द्वारा कमरे को देखना और हम कहते हैं दरवाज़ा खोल के देखो। खैर अभी जो है ना, मैं तो इसलिए मैंने ये बताया, प्रोसेस पूछा आपको कि मेरे हिसाब से कान के अंदर न तो इम्प्लांटेशन की ज़रूरत होती है, न ही कोक्लियर को छेड़ना होता है। सचमुच तो बताऊँ तो कान एज ए होल सुनता है, पूरा बॉडी का ये जो भाग है आगे का वो सुनता है, क्योंकि कान एक आत्मा का कारक है। जब हम लोग अल्लाह के जो कार्य करते हैं या राम राम करते हैं, एक ही बात को बार बार सुनते हैं, इसका मतलब सुनने की बात कुछ और है। ये एक छोटे सा प्रोसेस है जो मैंने किया है। देखिए विश्व में अभी तक आपने जो अभी बताया, यही बात चल रही थी कि मनुष्य जाति के जन्म के आज तक कभी इसमें कोई भी व्यक्ति ने काम नहीं किया है कि जो जन्म के भैरव को सुना दे। और हमारे यहाँ से बिना एकदम भोलेपन में हमने एकदम सरलता पर दवाई करते हैं, कान में सुन जाता है और धन्यवाद देके चला जाता है, और हम लोग भी ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े सज्जन हो बॉम्बे में, और इस बात के लिए मेरी रिक्वेस्ट क्या है, इस बात का प्रचार किया जाए कि एजुकेशन अलग चीज़ है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है। हमने कोई जादू नहीं किया, हमने होम्योपैथी चिकित्सा की है और हमारी रिसर्च मेडिसिन है उसका प्रयोग किया है। आज मैं चाहता हूं कि आपकी मम्मी नॉर्मल से बढ़िया सुनेगी। आपने हमने प्री टेस्टिंग हुई ना, तो आप कहेंगे अभी सुन रही थी, हमारी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही थी, परंतु अब ये पहला दिन है। और सुन, और टेक्नोलॉजी क्या मालूम है, सुनी हुई चीज़ को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना होता है। तो जब वो सुनी हुई चीज़ वापिस सुनने लगेगी ना, रिपीट पर रिपीट, तब इसको मज़ा आएगा। सुनवा तो दिया मैंने, सीढ़ी बजाई, वहाँ से बजाई, वो बजाई, सब सुन गई, दरवाज़ा खोल दिया है। पर मेरी क्या इच्छा है कि इसको संसार के अंदर वापिस यूज, जो यूज्ड वर्ड है वो वापिस डाल। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नाजिम परकार है। नाजिम भैया आप सचमुच बहुत बढ़िया, आपने मुझे भी जो बहुत बढ़िया बताया, मेरे हेल्थ के बारे में बताया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। गॉड ब्लेस यू, योर नॉलेज वेरी ग्रेट नॉलेज, रियली ए ग्रेट सर्जन यू आर। गॉड ब्लेस यू सर।